हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर और जेपी एसोसिएट के स्टॉक के बारे में, क्योंकि दोनों स्टॉक के अंदर हमको देखिए काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ सेशन में। लेकिन फ्राइडे को जेपी एसोसिएट में देखिए यहाँ पर आपको लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जेपी पावर के अंदर तेज़ी अभी भी कंटिन्यू है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेपी एसोसिएट में आपको बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है, और क्या जेपी पावर यहाँ से आपको 7 रुपये की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा, और क्या होंगे दोस्तों यहाँ पे कल के लक्ष्य, कल यानी 21 जून मंडे के टारगेट्स। दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होगा यहाँ पे जेपी एसोसिएट, बिकॉज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले हैं। अगले हफ्ते कंपनी अपने नतीजे पेश करने वाली है, तो चलिए सबसे पहले जेपी एसोसिएट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जेपी एसोसिएट ने यहाँ पे 14.10 पे क्लोजिंग दी है फ्राइडे के सेशन में। करीबन आपको 70 पैसे स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है 4.73%, यानी स्टॉक का देखिए ये लोअर सर्किट हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे ओपन हाई लो तीनों सेम है, तो स्टॉक में देखिए खुलवा जैसे शुरुआत होती है वैसे देखिए आपको शुरुआत स्टॉक लोअर सर्किट पे करता है, और देखिए दिन के एंड तक स्टॉक लोअर सर्किट पे आपको बंद होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, जेपी एसोसिएट में सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए स्टॉक ने बेहतरीन तेज़ी दिखाई है, स्टॉक ने बेहतरीन तेज़ी दिखाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होने वाली है स्टॉक के अंदर दोस्तों, यहाँ पे आने वाले हैं कंपनी के Q4 के नतीजे 21 जून। 21 जून दोस्तों तारीख याद रख लीजिए, ये कंपनी रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, यानी कल दोस्तों आपको कंपनी अपने नंबर्स अनाउंस करती हुई नजर आएगी। आपको इस चैनल पे इसके कंपनी के Q4 नंबर्स बता दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के नतीजे बढ़िया आएंगे, आप समझ के चलिए कंपनी आपको बढ़िया देखिए यहाँ पे नतीजे पेश करती हुई नजर आएगी। और आप देखिए लगातार जेपी एसोसिएट के अंदर डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कंपनी अपनी ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन करके रख रखी है। कंपनी जैसे देखिए आपको गिरती हुई नजर आई थी, फिर से देखिए कोशिश कर रही है, शुरुआत कर रही है देखिए बढ़ने की, और तभी आप देखिए स्टॉक आपको 10 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जेपी पावर के देखिए जैसे नतीजे आए थे डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, और ऐसे ही देखिए जेपी एसोसिएट यहाँ पे आपको बढ़िया नतीजे पेश करता हुआ देखने को मिल सकता है। एज एनालिस्ट देखिए जिन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि जेपी एसोसिएट के प्रॉफिट के अंदर आपको बढ़िया इंक्रीज देखने को मिल सकता है, कंपनी का रेवेन्यू में आपको देखिए यहाँ पे बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली नंबर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़िया है, लेकिन देखना होगा कल कैसे नंबर्स निकल के आते हैं। अब दोस्तों, स्टॉक कैसा कर सकता है, देखिए 52 वीक हाई है 15.65 रुपये का, ठीक है, और आप नोट करिए तारीख को, 52 वीक हाई बनाए 17 जून 2021 को, और लो बना था इसी दिन 17 जून 2020 को 1.85 का। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है कि स्टॉक के अंदर जो सबसे बढ़िया आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है वो 15.65 रुपये का देखने को मिलेगी, लेकिन अब वो रजिस्टर तौर पर आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपको आगे क्या करना है स्टॉक के अंदर, तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक के चार्ट पे यहाँ पे जाते हैं। तो देखिए पिछला 5 दिन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो स्टॉक के अंदर आपको देखिए यहाँ पे लगातार 2 दिन गिरावट देखने को मिल चुकी है, 2 दिन लगातार देखिए स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। कहाँ से? अपने 52 वीक हाई से। अब 52 वीक हाई को देखिए स्टॉक तोड़ने की कितनी बार कोशिश किया, करीबन 3 से 4 बार, 1, 2, 3 और इधर 4, तो 4 बार देखिए स्टॉक ने कोशिश की अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करने की, लेकिन ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 15.65 रुपये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और अगर नतीजे देखिए बढ़िया आते तब तो आप समझ के चलिए कि स्टॉक पक्का इस रेजिस्टेंस को निकाल देगा, लेकिन अगर नतीजे बकवास आएंगे या फिर ख़राब आएंगे जिसको मैं कह सकता हूँ, तो आपको स्टॉक के अंदर देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, और स्टॉक यहाँ पे आपको करीबन 12 रुपये तक नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए हैं स्टॉक ने, पिछला 1 साल स्टॉक के लिए बेहतरीन रहा, 1 साल के अंदर देखिए करीबन यहाँ पे रिटर्न्स कमा के दिए 642%, और आप देखिए स्टॉक यहाँ से आपको जो बढ़ता हुआ देखने को मिला पिछले 6 महीने के अंदर, करीबन यहाँ पे आपको इंक्रीज बनता हुआ देखने को मिला 115% के आसपास का। तो डेफिनेटली देखिए स्टॉक बहुत ही बेहतरीन तेज़ी से चला है, लेकिन अब फिर से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली है, और मुनाफा वसूली देखिए ज़रूरी थी, लेकिन अगर नंबर्स बढ़िया आते तो आप समझिए चलिए स्टॉक के अंदर एक और पॉजिटिव ट्रिगर आ जाएगा, और यहाँ से स्टॉक आपको तेज़ी करके दिखाएगा। तो करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कल के लिए CMP बाय करके चलना है, टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको जेपी एसोसिएट का कल का, वो होगा करीबन यहाँ से 14.75 रुपये का अगर स्टॉक के अंदर सर्किट खुलता है तो, अदरवाइज देखिए लोअर में स्टॉक यहाँ पे आपको 13.50 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है नीचे। और यहाँ पे दोस्तों मेरी खरीदारी की ही सलाह होगी, खरीदारी करके चलना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी जेपी एसोसिएट के ऊपर, अब बात करते हैं जेपी पावर के ऊपर। तो देखिए ये काउंटर बेहतरीन तेज़ी का चल रहा है, क्यों चल रहा है देखिए, सबसे बढ़िया बात कंपनी के नंबर्स निकल के आते हैं, नंबर्स बहुत पॉजिटिव होते हैं। अब फ्राइडे को देखिए हमको क्या देखने को मिला, फ्राइडे को यहाँ पे देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर एक बार लोअर सर्किट लग गया,
देखिए स्टॉक यहाँ पे खुला ऊपर, देन लोअर सर्किट लगा। अब लोअर सर्किट क्यों लगा? मार्केट का प्रेशर था। लेकिन देखिए जैसे लोअर सर्किट लगा उसके 10 मिनट बाद जो लोअर सर्किट के अंदर बाइंग तब्दील हुई, यहाँ पे देखिए लोगों ने काफ़ी ब्लॉक डील्स किए। देखिए ये जो आपको एक टाइम मिला है इधर इतनी ज़्यादा ब्लॉक डील्स हुई आप समझ के चलिए, और शेयर के अंदर फिर आपको देखिए तेज़ी देखने को मिली है। आपको वॉल्यूम्स दिखाता हूँ कितना यहाँ पे फ्राइडे को वॉल्यूम देखने को मिला है मुझे जेपी पावर के अंदर। तो देखिए 5.85 रुपये की क्लोजिंग लो था 5.35 रुपये का, आपको हाई बनता हुआ देखने को मिला है 5.85 रुपये का। अब मैं जो आपको दोस्तों दिखाना चाह रहा था वो थी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स देखिए इतना सा एक करीबन कह सकता हूँ 10 से 15 मिनट का टाइम मिला, और आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स कितनी देखने को मिली, करीबन 25 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं यहाँ पे आपको जेपी पावर के अंदर। 10 करोड़ से ज़्यादा देखिए शेयर्स यहाँ पे आपको डिलीवरी के तौर पर उठाए गए, जो करीबन 40% होता है। तो आप देखिए लोगों का अभी भी इस काउंटर के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ भरोसा है, और लोग देखिए पोजीशंस उठा रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं। और आप देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट का टाइम मिला था ट्रेडिंग करने के लिए, 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखिए जो वॉल्यूम्स का सुनामी जिसको मैं कह सकता हूँ वो मुझे देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर, और लोगों ने देखिए तेज़ी से यहाँ पे बाइंग करना चालू किया है। तो देखिए इस कंपनी की खासियत यही है। अब यहाँ पे ये स्टॉक बढ़िया क्यों कर रहा है, देखिए आपको मैंने बहुत सारे पहले भी आपको बताया था कि देखिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप देखिए कंपनी के नतीजे, कंपनी के अंदर देखिए जो भी अभी नए नए आपको यहाँ पे कह सकता हूँ डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उसके कारण। तो डेफिनेटली देखिए जो तेज़ी है वो फॉल्स तेज़ी नहीं है जिसको मैं कह सकता हूँ, ये तेज़ी हो रही है बिकॉज कंपनी के नतीजे बढ़िया है, कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है, कंपनी का ऑर्डर बुक जो है दोस्तों वो लगातार बढ़िया, उसके अंदर हमको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो तेज़ी साफ साफ देखिए हमको जो देखने को मिल रही है वो चौतरफा देखने को मिल रही है, और तेज़ी का दोस्तों यहाँ पे सारे कारण है, कोई भी देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स का खेल नहीं हो रहा है जो मैं आपको कह सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या होगा कल के लिए, चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कल के इसका टारगेट्स का देखने को मिल सकते हैं, सपोर्ट स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है आपको, चलिए दोस्तों आपको ये बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक डेफिनेटली आपको अभी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात होगी स्टॉक के लिए क्या 6 रुपये के ऊपर मेंटेन रह सकता है, 6 रुपये का जोन ये कल टच करने की कोशिश करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कल बाजार कैसा रहता है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, अगर बाजार में देखिए गिरावट बनती है, बाजार में बिकवाली आती है, तो क्या देखिए ये 6 रुपये का जोन नहीं टच कर पाएगा, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस देखिए अभी अराइज हो रहे हैं जो हमको डेफिनेटली कल देखने को मिलेंगे। बिकॉज कल मार्केट के अंदर शुरुआत में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग के साइन देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज बाजार कल देखिए गिरावट दिखा सकता है, बिकॉज SGX यहाँ पे अभी हमको नेगेटिव डाउनफॉल ट्रेंड जो शो कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाजार के अंदर कल थोड़ी बहुत मुनाफेसली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये सर्किट के ऊपर खुलता है तो फिर डेफिनेटली बढ़िया बात हो जाएगी, बिकॉज 6 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है मुझे तो आप समझ के चलिए बेस्ट क्लोजिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक बड़ी तेज़ी के लिए फिर आपको आगे स्टॉक चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल 6 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, देखना होगा कल कैसा करता है। टेक्निकल्स पे अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर अभी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को ही मिलेगी, बिकॉज स्टॉक सर्किट पे बंद हुआ है तो सेलिंग का तो देखिए सवाल उठता ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी दिक्कत हमको देखने को नहीं मिल रही है, बाइंग ही देखिए हर जगह देखने को मिल रही है, तो डरने की तो कहीं भी देखिए बात दिखती नहीं है, स्टॉक के अंदर डेफिनेटली बढ़िया तेज़ी है। तो CMPA बाय करना है, सर्किट टू सर्किट कल आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, जिन लोगों ने होल्ड किया है वो करीबन 6.50 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक को होल्ड करिए, 6.50 रुपये के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग कभी भी इस काउंटर के अंदर आती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।